दोस्तों मैं विकास कोहली यूट्यूब पे लेके आ रहा हूँ टेनिस के रिगार्डिंग पोस्ट मैच एनालिसिस पर वीडियो। दोस्तों एनालिसिस पर वीडियो पे बढ़ने से पहले आपको तो सबसे पहले बोल दूं एक बार फिर से हैप्पी महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों आप सभी को, हर हर महादेव। दोस्तों अब बढ़ते हैं पोस्ट मैच एनालिसिस पर। जो पोस्ट मैच एनालिसिस पर था मैच है जो लेके हैं वो टॉप सीडेड प्लेयर है अर्जेंटीना ओपन में और करंट एटीपी रैंकिंग 2 है वो है कार्लोस अल्कराज वर्सेस जो मैच था उनका सर्बिया के एक और खिलाड़ी के साथ मैच था। पहले लास्लो के साथ वो भी सर्बिया के खिलाड़ी थे और इस बार जो मैच हुआ वो दुसान लजोविक के साथ मैच हुआ। एटीपी रैंकिंग 70 प्लस है बट पहले राउंड में बढ़िया प्रदर्शन किया सेकंड राउंड में बट एट ना चली। फर्स्ट सेट में काफी चली बट सेकंड सेट में और दम चली बट फर्स्ट सेट भी उन्होंने ज्यादा इसलिए नहीं चली क्योंकि कार्लोस अल्कराज ने ज्यादा बार ब्रेक पॉइंट्स कन्वर्ट किए थे। दोस्तों एनालिसिस में बढ़ने से पहले बता दूं भाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लीजिए ताकि सारी अपडेट्स आपको मिल सके तुरंत। पोस्ट मैच के रिगार्डिंग, प्री मैच के रिगार्डिंग, ब्लॉग्स के रिगार्डिंग और जो भी अदर एक्टिविटीज होती हैं, फेस्टिवल्स होते हैं उसके रिगार्डिंग। दोस्तों अब बढ़ता हूँ पहले सेट की ओर। पहले सेट में शुरुआत कार्लोस अल्कराज की धमाके द्वारा हुई। अपनी सर्विस डेम पे तो होल्ड रखा सर्विस डेम ब्रोड पे की थी दुसान की, उसके बाद 3 से वो आगे चल रहे थे। वो लग रहा था कि भाई ये वन साइडेड ट्रैफिक हो जाएगा बट वन साइडेड ट्रैफिक नहीं हो पाया। उसके बाद लजोविक ने सर्विस डेम ब्रेक की, उसके बाद कार्लोस अल्कराज ने सर्विस डेम ब्रेक की और फिर से लजोविक ने सर्विस डेम ब्रेक की और अपनी सर्विस डेम पे होल्ड रखा। 4-4 हुआ इन दोनों के बीच। 4-4 जो गेम्स हुई हैं दो दो बार ब्रेक हुई थी, 2 बार कार्लोस अल्कराज की ब्रेक हुई थी और 2 बार दुसान लजोविक की ब्रेक हुई थी। उसके बाद अपनी सर्विस डेम पे होल्ड रखा कार्लोस अल्कराज ने 5-4 किया और दुसान की सर्विस गेम ब्रेक की। जब वो सर्विंग फॉर द सेट करो सर्विंग टू स्टे अंडर द सेट करवाए थे 4-5 पे थे बट वो प्रेशर इसका नहीं झेल पाए और कार्लोस अल्कराज ने 6-4 से सेट जीता। दोस्तों अगर बढ़ता हूं तो आप शानदार प्रदर्शन किया सेकंड सेट में। क्यों शानदार प्रदर्शन किया? आते ही इस बार तो सर्विस गेम ब्रेक की, इस बार कन्वर्ट नहीं होने दी ब्रेक बैट वापिस से जैसे पिछले सेट में हुआ कार्लोस अल्कराज ने। इस बार अपने सर्विस गेम पे होल्ड रखते रहे। दूसरी ओर दुसान ने भी अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा और फाइनली फिर से एक बार सर्विस गेम ब्रेक की जब सर्विंग टू स्टे इन द सेट करवाए थे दुसान लजोविक और उस बार जीता कार्लोस अल्कराज ने 6-2 से सेट। पहला सेट 6-4 से, सेकंड सेट 6-2 से। देखा जाए दोस्तों अरे मैच स्टैट्स टूर एसेस दोनों प्लेयर ने कम ही लिए हैं, 1-1 एसेस लिए हैं, एसेस ज़्यादा नहीं लिए हैं। डबल फॉल्ट भी दोनों प्लेयर्स से कम ही हुए हैं, इनफैक्ट एसेस से ज़्यादा डबल फॉल्ट हुए हैं दोनों प्लेयर्स के। ब्रेक पॉइंट्स मेन है ब्रेक पॉइंट्स 3 out of 5, 3 बार ब्रेक पॉइंट सेव किया है, 2 बार सेव करने कामयाब नहीं रहे। वो दोनों फर्स्ट सेट में था, सेकंड सेट में उनके ब्रेक पॉइंट आए थे बट वो दोनों सेव किए थे। दूसरी ओर देखा जाए 5 out of 10 दुसान लजोविक ने 5 बार सेव किए बट 5 बार सेव करने कामयाब नहीं हुए। 3 बार तो फर्स्ट सेट में, 2 बार सेकंड सेट में। अब चाहेंगे दोनों प्लेयर्स अगली बार मिले ऐसा ही शो देखने मिले जैसा पहले सेट में थोड़ा धमाकेदार रहा। दुसान चाहेंगे कि वो बढ़िया प्रदर्शन करके जीते। हेड टू हेड रिकॉर्ड में तो 2-0 से आगे हो रही हैं कार्लोस अल्कराज। इससे पहले 2022 में खेला था सीलियों पर मैच, उसमें भी 3 गेम्स सीधे ही 3 सेट्स जीते थे विदाउट ड्रॉपिंग एनी शॉट। इस बार भी विदाउट ड्रॉपिंग एनी शॉट जीता है तो शानदार प्रदर्शन किया कार्लोस अल्कराज का। अगला जो मैच होने वाला है वो अपने प्लेयर के साथ ही होने वाला है, कंट्री के साथ, और वो चाहेंगे कि भाई उन्हें भी हरा दें और अगले राउंड में प्रवेश करें और उनके कंट्री मैन को तो पता ही होगा कि कैसा प्रदर्शन करते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ढेर सारा प्यार देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।